वैसे नंबर सिक्स। अच्छा, इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एक इंश्योरेंस एक्सपेंस का, दूसरा रेंट एक्सपेंस का। ये बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस के अकाउंट बनाते हैं। क्या लिखा था? ओपनिंग प्री पेमेंट कॉस्ट 3672। प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट 3672। एंड द क्लोजिंग प्री पेमेंट इज 4107। क्रेडिट हो जाएगा 4107। उसके बाद इनवॉइसेस टोटलिंग 7925 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर। ये पेमेंट्स हो गए हमारी 7925, 7925। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। चाइनी बिगिन, ठीक है। अच्छा, अब इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 11597, 11597। इसमें से कैरी डाउन माइनस करते हैं 7490 बैलेंसिंग फिगर, और ये हो जाएंगे हमारी करंट ईयर की एक्सपेंस जो हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट। तब सेकेंड अकाउंट बनेगा, इसमें रेंट का, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या ओपनिंग प्री पेमेंट वॉज 3908। डेबिट हो जाएगा बैलेंस 3908। द क्लोजिंग प्री पेमेंट इज 2798। क्लोजिंग बैलेंस 2798। इनवॉइस टोटलिंग 19540 वर रिसीव्ड एंड पोस्टेड टू लेजर ड्यूरिंग द ईयर। पेमेंट्स हो गए, डेबिट 19540, और इसका डेबिट साइड का टोटल करते हैं 23448। तो इसी कैरी डाउन बैलेंस माइनस करें 2650 बैलेंसिंग फिगर 205। बैलेंस की फिगर आ गया, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर की एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेट। क्वेश्चन नंबर सेवन, और ठीक है, जिसमें क्या है, सेवन में कॉन सिमिलर पेज इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री एंड दिस इज पेड इन एडवांस पेमेंट्स ड्यूरिंग 2001 और द इंश्योरेंस वार एज फॉलोज। अच्छा, इसमें इंश्योरेंस अकाउंट बनेगा, इंश्योरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1 जनवरी को पेमेंट हो रही है। यहाँ लिख लेते हैं जनवरी 1800, डेबिट हो गए। अच्छा, 20 मार्च को पेमेंट हो रही है, मार्च 28 1800। सेकेंड अक्टूबर को पे कर रहे हैं, अक्टूबर 2 1800, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें कैलकुलेट इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, अब ये प्री पेमेंट है, तो अब हमें इसका प्री पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा पहले। अच्छा, पहली पेमेंट इसने की है फॉर 3 मंथ्स टू मार्च 31 मार्च, ठीक है। ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद मार्च में पे कर रहा है फॉर टू सितंबर 30, सितंबर तक की पेमेंट हो गई। फिर अक्टूबर में वो पे कर रहा है फॉर 6 मंथ्स टू 31 मार्च, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्री पेमेंट हो गई ना। अब 3 मंथ्स की प्री पेमेंट कैलकुलेट करते हैं पहले। प्री पेमेंट यह 1800, आधा आधा, एटीन हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 900 प्री पेमेंट आ जाए।
जिसकी एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट्स की एक्सपेंस, प्री पेमेंट्स डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये इधर क्रेडिट पे आ जाएगा, नाइन हंड्रेड, ठीक है, 900 क्रेडिट, और ये बन जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, इसको यहीं पे सीडी कर देंगे, कैरी डाउन। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 2400, 2400 माइनस करेंगे 900, बैलेंसिंग फिगर आएगी 3500, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट में, और ये प्री पेमेंट का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, जनवरी 1st पे ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कॉपी कर लें, क्वेश्चन नंबर 8, सो ड्यूरिंग द ईयर टू दिसंबर 2002 जॉन सिबनेल इंश्योरेंस चार्ज रिमेन द सेम एंड हिज पेमेंट फॉर एज फॉलोस। अच्छा पहले इसमें बैलेंस लिख लेते हैं, देखिए 7 जो है वो क्वेश्चन 8 में कंटिन्यू हो रहे हैं, अब ये 7 का क्लोजिंग जो है 8 में ओपनिंग हो जाएगा, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जनवरी 1 बीडी बैलेंस आ गया 900, के बाद पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट पेमेंट को कर रहे हैं 28 मार्च को फॉर 6 मंथ्स टू सेप्टेम्बर 20, ठीक है 1800 मार्च 28 1800 डेबिट, और नेक्स्ट पेमेंट है 2nd अक्टूबर को फॉर 6 मंथ्स 1800 2nd अक्टूबर। अब इसमें हमें प्री पेमेंट कैलकुलेट करना होंगे, इसमें भी तो देखिए लास्ट पेमेंट उसने की अक्टूबर में फॉर 6 मंथ्स टू 31st मार्च, तो ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, पेमेंट की उसने मार्च तक की, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की प्री पेमेंट, क्या लिखते हैं 1800 इंटू 3/6, 900 आपके प्री पेमेंट्स आ गए। तो प्री पेमेंट की एंट्री क्या होती है, प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 900 से दिसंबर 31st, और इसी को हम कैरेट डाउन कर देंगे। अब टोटल करते हैं इसका, तो डेबिट का टोटल आ गया 4500, माइनस करेंगे 900, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 3600, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करंट अकाउंट बनेगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है एक्रूड रेंट पेबल ऑफ 250, एक्रूअल्स का ओपनिंग बैलेंस एडिट हो जाएगा, ठीक है। के बाद ड्यूरिंग 2002 कंपनी पेस रेंट बिल्स टोटलिंग 1275, ये रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, पेमेंट आ गई। इसके बाद इंक्लूडिंग 1 बिल फॉर 375, अच्छा 375 इंक्लूडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टर एंडिंग 31st जनवरी, तो इट मींस ये जनवरी तक की पेमेंट हो चुकी है, और ईयर एंड कब हो रहा है इसका 31st दिसंबर, और पेमेंट इसने की है जनवरी तक की, 1 महीने की प्री पेमेंट हो गई, 1 मंथ की प्री पेमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 125 प्री पेमेंट्स आ गए। प्री पेमेंट्स की एंट्री होती है प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट का टोटल आ गया 1275, तो ये 125 250 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी 900, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें
टेलीफोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। टेलीफोन अकाउंट बनाते हैं हम, टेलीफोन एक्सपेंस। अच्छा तो ओपनिंग बैलेंस मिले, ठीक है फर्स्ट पेमेंट हो रही है 30 जून को ना, रिकॉर्ड कर लेते हैं जून 30। कितने की आपने? 23.5। 30 सितंबर, 27.2। थर्ड पेमेंट है 31 दिसंबर, 33.4, ठीक है। फोर्थ पेमेंट हो रही है 36 की, कब पे कर रहे हैं? मार्च में। ईयर एंड कब हो रहा है? फेब्रुअरी। फेब में ईयर एंड हो रहा है, लास्ट पेमेंट कर रहा है मार्च में। क्या ये रिकॉर्ड होगी? 36 रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे? होगी नहीं होगी ना, ठीक है। यहाँ पे आपने असल में डेबिट पे लिखा होगा 36, इसलिए आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस 12 आ रहा है। 36 रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ईयर एंड हो रहा है फेब में, पेमेंट वो दिखा दे रहा है आपको मार्च की, ईयर एंड के बाद की पेमेंट है ये। तो ईयर एंड के बाद की पेमेंट ईयर एंड से पहले कैसे रिकॉर्ड हो सकती है? सही, तो ये लास्ट पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ गए? ईयर एंड कब हो रहा है? फेब्रुअरी ये पेमेंट कब की है? आज है 28 फेब, पेमेंट आप कर रहे हैं 31 मार्च, 1 महीने बाद। तो आज उसको कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, 1 महीने बाद की पेमेंट आज कैसे रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी, तो इसलिए लास्ट पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया उसने। अच्छा अब सेकेंड लास्ट पेमेंट हमारी कब तक की थी? दिसंबर, और ईयर एंड हो रहा है जनवरी फेबर। 2 महीने की पेमेंट आपकी प्री हो गई, एक्रीड हो गई ना। अब 2 मंथ्स के एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे, अब प्री पेमेंट नहीं आएगी इसमें, एक्रूअल्स रिकॉर्ड होंगे 2 मंथ्स के। एक्रूअल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिसंबर है, जनवरी फेबर। अच्छा अमाउंट क्या लें हम? हाँ अब 30, देखिए अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लास्ट पेमेंट दे रहे थे ना, लेकिन हम लास्ट पेमेंट नहीं देंगे क्योंकि उसने हमें फ्यूचर पेमेंट बता दी। 1 महीने बाद 31 मार्च में आप कितना पे करेंगे? 36। फ्यूचर पेमेंट बता दी, तो इसलिए अब हम 36 को यूज करेंगे, 33 यूज नहीं होगा। 2/3, 24 आ गया। एक्रूअल्स, एक्रूअल्स की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट, एक्रूअल्स क्रेडिट, तो ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा 528, और यही कैरी डाउन हो जाएगा। अब इसका टोटल करते हैं डेबिट साइड का, तो ये होगा 108.1, 108.1, और यही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 108.1, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेट। अब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जरा खास तौर पर इस टॉपिक में डेट्स का ख्याल रखिएगा बहुत। क्वेश्चन नंबर 12, ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका ना। फर्स्ट पेमेंट हो रही है 1 जनवरी को, डेबिट 5,000। सेकेंड पेमेंट कर रहा है 25 मार्च को, 5,000 डेबिट। थर्ड पेमेंट हो रही है 24 जून को, और फोर्थ पेमेंट है 29 सितंबर। अच्छा ये फिफ्थ पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? क्योंकि ये ईयर एंड से पहले हो रही है ना, ईयर एंड है इसका December 31, ईयर एंड है, और लास्ट पेमेंट कर रहा है 25 दिसंबर को, ईयर एंड से पहले, तो ये रिकॉर्ड होगी December 25, 5,000। अब इसमें हमें एक्रीड या प्रीपेड निकालने, देखिए फर्स्ट पेमेंट इसने किया January 1 को, तो ये है जनवरी फरवरी मार्च करेंट हुआ। सेकंड पेमेंट है अप्रैल मई जून, थर्ड
अगस्त, सितंबर, 4 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहां पर ईयर एंड हो गया। तो ये जो फिफ्थ पेमेंट है ये होगी जनवरी, फरवरी, मार्च नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये प्रीपेड हो जाएंगे 5,000 प्रीपेड। तो प्री पेमेंट की एंट्री होती है प्री पेमेंट्स डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, 5,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा दिसंबर 31, और इसी को कैरी डाउन कर देंगे। फिर दोबारा बताइए, ये जनवरी, फरवरी, मार्च की पेमेंट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड हो गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च नेक्स्ट ईयर प्री हाँ पेमेंट आ गई ना। सही है, टोटल आएगा 25,000, माइनस करते हैं 5,000, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 20,000, और ये होंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे इनकम स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रिक्वायरमेंट ए। अच्छा, इसके एम्प्लॉयज कितने हैं? 8 एम्प्लॉयज हैं। एनुअल सैलरी रेज होने के बाद 13,200 मल्टीप्लाई करते हैं 13,200 से, क्या है? लाइक 5,600। ठीक है, जिसके बाद इसने एक ट्रेनी हायर किया है 1 जुलाई को, ट्रेनी हुआ। एनुअल सैलरी कितनी है इसकी? 8,400। ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में ना, दिसंबर में ईयर एंड है, तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ हो गए, 6 मंथ की सैलरी लेंगे इसकी 6 अपॉन 12, ये हो जाएगा 4,200। दोनों को ऐड कर लें तो 1,09,800 सैलरी एक्सपेंस आ जाएंगे। सैलरी एक्सपेंस हो गया 1,09,800। इसमें रिक्वायरमेंट बी में क्या एक्चुअल अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअली पेड इन सैलरी ड्यूरिंग 2002, एक्चुअल पेमेंट बतानी है। अच्छा, पेमेंट कब करता है वो? ही पेज हिज वर्क फोर्स ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ की फर्स्ट को, 1 मंथ इन एरियर मीन्स, ठीक है, 1 मंथ के बाद, सो दैट हिज एम्प्लॉयज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन फर्स्ट वर्किंग डे इन फेब्रुवरी। तो फेब की फर्स्ट मार्च, मार्च की फर्स्ट अप्रैल, इस तरह पे होगी ना। तो जनवरी की सैलरी पे होगी फेब में, फेब की मार्च, मार्च की अप्रैल, अक्टूबर की नवंबर, नवंबर की दिसंबर, दिसंबर की नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो वो तो नहीं लेंगे। ठीक है, 8 एम्प्लॉयज है, एनुअल सैलरी 13,200, तो इनको करंट ईयर में कितनी सैलरीज मिलेंगी? 11, 11 अपॉन 12, क्या अमाउंट आ रहा है? इसके बाद हमने एक ट्रेनी हायर किया था, इसकी सैलरी 8,400। अच्छा, इसको जुलाई में हायर किया, दिसंबर में एंड हो रहा है 6 मंथ, उसे कितनी सैलरी मिलेंगी? 5। ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक, अच्छा, यहाँ तक आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,03,000, यहाँ तक का टोटल आएगा 1,03,000, और ये कैलकुलेशन है इनकम्प्लीट। अच्छा, इसमें इनकम्प्लीट क्या है, देखिए एक करंट ईयर के, यहाँ हमने 11 सैलरीज ली है ना, दिसंबर की नहीं ली, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे होगी। ठीक है, तो ये बताएं जो लास्ट ईयर के दिसंबर की सैलरी थी वो इस साल हमने जनवरी में पे की होगी ना, वो भी इसमें ऐड होगी जी। तो लास्ट ईयर दिसंबर की सैलरी हम करंट ईयर के 1 जनवरी को पे करेंगे, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो 8 एम्प्लॉयज हैं, लास्ट ईयर इनकी सैलरी थी 12,000, 1 मंथ की सैलरी हमें चाहिए, 1 अपॉन 12 बनेंगे 8,000। अब इसका टोटल कर लेंगे तो आएगा 1,08,300 कंप्लीट आंसर। ठीक, रिक्वायरमेंट सी में हमें एक्यूरेट सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो हमने देखें दिसंबर 11 सैलरीज पे की थी, दिसंबर की पे नहीं की थी, तो दिसंबर की सैलरी एक्रूड हो जाएगी 8,800। एक ट्रेनी है हमारा, सर ये देखिए मेरा एंड आउट की
वन अपॉन 12, इसकी सैलरी होगी 700, दोनों को ऐड कर लेते हैं 9,500 एक्रूड सैलरी आ जाएगी आपके पास, ठीक है क्लियर। तो दिसंबर की सैलरी अनपेड थी वो ये हमने ऐड कर ली, तो ये आपकी एक्रूड सैलरी आ गई 9,500।